उन्नाव के बांगरमऊ ग्राम सभा नेवल का मामला, जहां पर कोटेदार को सोशल डिस्टेंसिंग करना भारी पड़ गया। आपको बता दें, गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा कोटे पर जाकर बवाल किया गया, साथ ही सरकारी स्टॉक रजिस्टर भी फाड़ दिया गया, जिसका प्रार्थना पत्र कोटेदार ने थाने में देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? किस ग्राम सभा के निवासी हैं? हम? हाँ, नेवल। ये बताइए, कौन है आपका कोटेदार? इश्तियाक हुसैन। उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कुछ लोगों ने, राशन कम देते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे क्या मामले? ये सब गलत है, मारपीट वाला तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि वो आके आगे आगे घुसना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हमको पहले मिल जाए, वो सोचते हैं हमको पहले मिल जाए। आपका कौन सा कार्ड बना है? अंत्योदय। कितना राशन मिलता है? 35 किलो। उसके कुछ पैसे से लिए क्या? नहीं, जब से यो मुख्यमंत्री का आदेश आया है फ्री, तब से आपको फ्री मिल रहा है? वाला, हाँ, फ्री चल। पूरा 35 निकलता है वो? जी जी। तो ये लोग क्यों इतना बवाल बनाए घूम रहे हैं, ऐसा क्या? आगे पीछे की वजह से, उनको जल्दी मिल जाए राजनीति की, मतलब यहाँ इनके पास से कोटा चला जाए। अच्छा अच्छा। तो आप लोग जितने भी ग्राम मजरे लगते हैं इसमें, इस नेवल में, तो क्या सबको राशन ठीक मिलता है? जी, सबको मिलता है, एकदम टाइम से मिलता है। टाइम से मिलता है। नाम बताइए। किस ग्राम सभा की निवासी हैं मैम? नेवल। नेवल। ये बताइए, आपको राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। कौन सा कार्ड बना है आपका? अंत्योदय का। अंत्योदय, अंत्योदय बना है? हाँ। लाल वाला? हाँ। कितना राशन देता है? 35 किलो। पूरा 35 किलो निकलता है? आपने तोलाया कभी चक्की में? पूरा मिलता है। और क्या कोटेदार घटतौली, ऐसे कुछ आरोप कोटेदार के ऊपर लगाए गए हैं जो भी हैं आपके कोटेदार? तो क्या मामले हैं, कब से आपको राशन ले रही हैं यहाँ पे? जब से ले रहे हैं। अच्छा, तो जो आदेश आया माननीय मुख्यमंत्री का फ्री राशन का, हाँ, तो फ्री कोई चार्ज लिया कोटेदार? वो तो कह रहे थे कि हमने चार्ज लिए लोगों से, नहीं लिया है। शुभ नाम बताइए अपना। इश्तियाक हुसैन। किस ग्राम सभा के कोटेदार? ग्राम नेवल। आपके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है मारपीट इस टाइप के, घटतौली इस टाइप के, क्या मामले हैं ये? जो मामला कुछ नहीं था जी, वो आया था लेने के लिए जी, उससे पहले एक आदमी घुस आया जी, उसको हम अफसर से बात कर रहे थे अपने बांगरमऊ, उसको हम देख नहीं पाए, जो तौल रहा था वो दूसरे आदमी को दे दिया, बस वो बिगड़ गया, बिगड़ने के ऊपर बाहर निकला, गाली देने लगा। जब हम निकल के बाहर गए तो कहने लगा अपनी गांड में राशन डाल लो जी। इस पे हमारे लड़के ने दौड़ के पकड़ा, कहा कह रहे हो, तो कह क्या मेरा कर लोगे जी, बस ये बात थी। कौन लोग हैं जो अब शब्द का प्रयोग करके आके कोटे में ऐसा करते हैं? रामशंकर पाल जी। तो आपने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही या कोई एक्शन लिया? जी हाँ, थाने में दिया है जी, SDM साहब को दिया है जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ तक मिला है कि जहाँ तक उन लोगों ने बताया, हमारे पास उसके साक्ष्य और वीडियो मौजूद है, फोटो भी है। आपने उनकी गाड़ी याड़ी तोड़ी गई, ये क्या मामले जो उठ के आ रहे हैं, जो मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं, लोग खबरें प्रकाशित कर रहे हैं? कोई गाड़ी नहीं तोड़ी गई, दरोगा जी देख के वापस गए हैं, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी गई। क्या लगता है आपको, ऐसे लोग किस कारण ये आपके कोटे के ऊपर ये बवाल मचाते हैं, ऐसी उजद्दता करते हैं, क्या मामले हैं, ऐसी कौन सी रंजिश है? मामला ये है, रंजिश हमारी कुछ नहीं है जी। 2002 में इन्होंने हमारी दुकान पकड़ाई थी बिला मतलब जी, उसके बाद में फिर हमारी दुकान बहाल हुई, 1996 से हमारे पास दुकान चल रही जी, कोई पब्लिक का परेशानी नहीं। लेकिन ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं रामेश्वर कुशवाहा के मुकाबले में जी, आने वाले टाइम में ये अपनी फिजा बना रहे हैं। मजरा ग्राम, ग्राम नेवल का मजरा है हीरामन खेड़ा जी जी, वहाँ के रहने वाले हैं, अपनी फिजा बना रहे हैं कि हम इलेक्शन में खड़े हुए तो हमें वोट मिले, दुकान इनकी निलंबित कराऊंगे या सस्पेंड कराऊंगे तो इन्हें वोट मिले। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव के मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और CHC प्रभारी राजेश कुमार वर्मा के दिशा निर्देशन में लगाए गए कोरोना वायरस की जांच कैंप में 78 लोगों की जांच की गई, जिसमें कस्बे में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों व्यक्तियों को COVID-19 हॉस्पिटल L1 और आज भेजा गया। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।